भारत सरकार के बजट पर जो आने वाला है उसमें हम ये अनुमान करते हैं कि वैसे तो यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल लाकर आम आदमी के भोजन की व्यवस्था करने की बात कही है, शिक्षा गारंटी बिल लाकर हिंदुस्तान के आम बच्चे को पढ़ाई की गारंटी की बात कही है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू कर रूरल क्षेत्र के देहात क्षेत्र के बेरोजगारी को खत्म किया है, और एक बहुत बड़ा जो निर्णय लिया है यूपीए सरकार ने कि जो भी अनुदान है, जो भी पीडीएस सिस्टम में जो अनुदान केंद्र सरकार देती है, तो ये सारे अनुदान चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के हों, चाहे अनुसूचित जात के लोगों के हों, चाहे पीडीएस सिस्टम के हों, चाहे युवाओं के हों, जो भी अनुदान केंद्र सरकार दे वो सीधे सीधे उस हितग्राही के खाते में पैसा जाए, ताकि बिचौलिए जो हैं, जो पैसा उनसे कहीं ना कहीं बट जाता था, जिन पर लोग दूसरे तरीके से अपना हित दिखाने लगते थे, ऐसे लोगों से वो पैसा बच के सीधे हितग्राही के जेब में खाते में जाएगा। ये निर्णय केंद्र सरकार बखूबी 100% अगर ले ले अनुदान के मामले में, तो मैं समझता हूँ एक सामान्य आदमी का, गरीब आदमी का बहुत ज्यादा मदद केंद्र सरकार के द्वारा हो पाएगी। वैसे इस बजट से ये उम्मीद की जाती है कि हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लिए ये बजट सकारात्मक होगा, उनके हित के लिए होगा। खाने की चीजें, उनके रोजाना जीवन यापन की चीजें सस्ती होंगी, उन पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा, मेरा ऐसा मानना है। यूपीए सरकार ने हमेशा हिंदुस्तान के उन गरीब आदमी, आम आदमी के लिए विचार करके निर्णय लिए हैं, मेरी ऐसी मानता है।